ठीक है ना। पहले तो इसका यूज क्या है, जरूरत क्या है, ताकि पहले ये समझ लें कि पूरे सिस्टम में इस कानून की जरूरत क्या पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो दो तरह के लॉ होते हैं। एक लॉ होगा जो आपका प्रोसीजरल लॉ होगा, प्रोसीजरल लॉ, और एक होगा जो कि सब्सटेंसिव, जिसको हम कहेंगे सब्सटेंसिव लॉ। ठीक है, जितनी भी सब्सटेंसिव लॉज है ना, वो हमें हमारे अधिकार बताएगा, राइट्स बताएंगे, ड्यूटीज बताएंगे, ऑब्लिगेशंस बताएंगे, जो भी राइट्स हैं वो राइट्स के बारे में बताएगा कि हाँ भाई ये आपका अधिकार है, आप ये चीज कर सकते हो। अब ये बताने वाला क्रिमिनल का भी हो सकता है, ये क्रिमिनल का भी हो सकता है, और ये सिविल का भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई एक कोई भी एक कानून में आपको लेकर बताता हूँ, नॉर्मली कोई भी एक लॉ उठा लो, कई सारे सब्सटेंसिव लॉ है, किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट्स कॉल्ड ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। या फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉरी प्रोहिबिशंस एक्ट का, कोई भी लो, पीएमएलए ले लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अगर इस एक्ट में कुछ करना है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक एक्ट लिए कि एक लेडी जो अपने हस्बैंड इन लॉज के ऊपर सूट फाइल करना चाहती है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो सूट फाइल करना चाहती है, तो उसमें तो अधिकार दिए हुए हैं कि ये लेडी कोर्ट से रेसिडेंस ऑर्डर ले सकती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है, मेंटेनेंस ऑर्डर ले सकती है, कस्टडी ऑर्डर ले सकती है, ये सारे रिलीफ वो कोर्ट से ले सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो केस की फाइलिंग करेगी उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कहां से ओरिजिनेट होगा, मतलब क्लेम्स को कैसे बनाएंगे, एफिडेविट्स कैसे लगाएंगे, कौन से कोर्ट में देंगे। तो इसको बताने वाला जो कानून होगा उसको हम कहेंगे कि ये कानून क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ होगा। अब कोई भी कानून जब लास्ट में जाओगे तो वो अपने प्रोसीजर को बताता है कि देखो साहब इसमें सीआरपीसी फॉलो करनी है, या इसमें सीपीसी फॉलो करनी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसेस फॉलो करनी है। जैसा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे जाओगे तो वो कहेगा कि नहीं साहब यहां पर जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन जब आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे जाओगे तो वहां भी यही कहा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेगी। इवन डॉरी प्रोहिबिशंस एक्ट में भी कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चलेगी। लेकिन कुछ और एक्ट्स पे जाओगे जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है या फिर कोई पर्सनल अफेयर से रिलेटेड है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है, डिवोर्स फाइल करते हैं, नहीं ऑफ कोर्स रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फाइल करते हैं। तो यहां जो फाइलिंग्स होंगी ना, हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियर स्पेसिफाई किया यहां जो प्रोसीजर चलेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर चलेगा, सीपीसी चलेगा। अब देखो जरा ध्यान सुनो, जब भी हम कोर्ट की बात करते हैं तो हमें हमेशा दो तरह के कोर्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा सिविल कोर्ट, और दूसरा जो कोर्ट होगा जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट कह लेते हैं, हालांकि कहा नहीं जाता है, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट कहा जाता है, सेशन का कोर्ट कहा जाता है, अभी सहूलियत के लिए हम इसको क्रिमिनल कोर्ट के नाम से बुलाते हैं। अब देखो अगर सिविल कोर्ट का केस है तो वहां बैठे हैं सिविल जज, क्रिमिनल कोर्ट का केस है तो वहां बैठे हैं मैजिस्ट्रेट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जज बनता है तो उसको एक डायरेक्शन में रख दिया जाता, नहीं, तुम्हें सिविल ही देखना है। हो सकता है वो दो साल सिविल देख रहे हैं, अगले दो साल उनको क्रिमिनल में भेज दिया, मैजिस्ट्रेट बना दिया, देयर मे बी सच काइंड ऑफ वेरिएशन इट मे बी। लेकिन सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों चीजें डिपेंड होती हैं प्रोसीजर के ऊपर कि प्रोसीजर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट है तो क्रिमिनल कोर्ट में सीआरपीसी में यह लिखता है कि किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास उतना ही पावर है जितना एक्ट में लिखा हुआ है, उससे बियॉन्ड पावर नहीं है, मतलब वो अपनी विवेक से एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं।
लेकिन सीपीसी में तो लिखा हुआ है कि नहीं साहब, इसका सेक्शन 151 लिखते हैं कि हाँ, यहाँ जो जज है इनके पास इनहेरेंट पावर है, वो अपने विवेक से जो है अपने लिमिट को क्रॉस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 60 डेज के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी थी, 6 महीने तक नहीं फाइल हुआ, जज एक्सटेंशन देना चाहते हैं, चलो दे सकते हैं, लेकिन जब सीआरपीसी में ऐसी बारी आएगी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी एक्ट कैसे चलेगा, तो उसको समझने के लिए, कोई केस कैसे चलेगा उसको समझने के लिए ये दो कानून पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और दूसरा सीआरपीसी, जिसका नया वर्जन आ गया है डीएमएसएस। मतलब इन दो चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और सीपीसी हमें बताएगा क्या, सीपीसी हमेशा हमको क्या बताएगा, प्रोसीजर बताएगा कि किस प्रोसीजर से कोर्ट चलेगा। जैसे कि आप कोर्ट में जज से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि जज साहब ये कर दो, आप हमें पिटीशन को अमेंड करने का परमिशन दे दो, तो जज को देखना पड़ेगा क्या सीपीसी में कहीं ये अमेंड करने का पावर है, तो सीपीसी में है, वो कह देंगे कि कर लो। लेकिन वही क्रिमिनल वाला अगर पिटीशन है, वहां रिक्वेस्ट करो कि हमें अमेंड करने की परमिशन दे दो, तो वहां बोलेंगे सीआरपीसी में पावर ही नहीं है। तो किसी भी केस को कैसे लड़ा जाए, प्लेंट्स की फाइलिंग कैसे होगी, रिटर्न कैसे होगी, इवन कौन से कोर्ट में केस की फाइलिंग होगी, इन सभी को जानने के लिए, समझने के लिए यही पर्टिकुलर कानून है, जिसको हम सिंपली कहते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड हियर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब एक बात मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा वर्ड्स का मतलब बता दूं, दैट वर्ड इज कॉल्ड कोड। यहां पे एक वर्ड आया है आपको कोड, देखो इसको एक्ट नहीं कहा, कोड कहा। इसको कोड क्यों कहा और एक्ट और कोड में अंतर क्या है, बहुत सिंपल डिफरेंस है कि अगर हम कहते हैं एक्ट, तो ये ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ रहता है, मतलब ये कहीं से कॉपीड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ऐसा कोई कानून पहले नहीं होता था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द सेक्चुअल ऑफेंस एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सारे एक्ट्स हैं। लेकिन अगर कई सारे एक्ट्स को कंबाइन करके एक कानून बना दिया जाए, तो हम इसको कह देते हैं दैट इज कॉल्ड कोड। हम इसको क्या कहेंगे, कोड। मतलब कोड क्या होगा, एक एक्ट उठा लिया, फिर दूसरा एक्ट उठा लिया, फिर तीसरा एक्ट उठा लिया, फिर चौथा एक्ट उठा लिया, और कहा कि इन सबको मिला के एक कानून बनाते हैं, तो इस कानून को कह दिया क्या, इसको कह दिया कोड। जैसे हम पुराने जमाने की बात करें, तो पहले के समय में जब इंडिया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो सिविल केस को लड़ने के लिए हर प्रिंसली स्टेट्स का अपना अपना कानून होता था। लेकिन अंग्रेज ने सबको मिला करके एक कानून बनाया, और उस कानून को नाम क्या दे दिया, उस कानून को नाम दिया दैट इज कॉल्ड कोड। तो अभी हमारे देश में कितने कोड चल रहे हैं, तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है कितने सारे कोड हैं, बहुत लिमिटेड हैं। जैसे कि मैं आपको काउंट करवा देता हूँ, फिंगर में आप काउंट कर सकते हैं। नंबर 1 द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो इसका नया वर्जन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड को हिंदी में संहिता ही कहते हैं, तो यही कोड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्योंकि इसको भी अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिला बनाया गया है। एक और कोड है हमारे यहाँ आईपीसी, जिसको हम कहते हैं इंडियन पिनल कोड, लेकिन इसका जो नया वर्जन है भारतीय न्याय संहिता, ये भी कोड है। और एक कोड और है हमारे पास, क्या कोड है, एक कोड और है, कोई बता दो कौन सा, हाँ एविडेंस एक्ट है, हाँ क्या आईपीसी लिख तो लिया, देखो बता दिया इसने, इसने बता दिया, कौन सा बताया, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दैट्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये चार कोड हैं जो अभी इन्फोर्स्ड हैं। एक और कोड जो इन्फोर्स्ड होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको आने नहीं दे रहे अभी,
क्या नाम है उसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट हो गई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई तो दूसरी पार्टी की तो ये एजेंडा में होता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर वो रुक जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आना, सही है ना। चलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेबर कोड भी होते हैं लेकिन लेबर कोड अभी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। तो अभी हमारे पास चार कोड हैं जो कि इनएक्टिव हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी। लेकिन 1 जुलाई के बाद आप कहेंगे सीपीसी, बीएनएसएस, बीएनएस एंड आईबीसी, दीज फोर थिंग्स आर देयर। चलिए अब देखिए यहां पे सिचुएशन को। तो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया, दो तरह के लॉज हैं, एक तो सबस्टेंसिव लॉ हो गया और दूसरा लॉ क्या हो गया हमारे पास, द सेकेंड काइंड ऑफ लॉ इज कॉल्ड हियर व्हाट, दैट इज कॉल्ड हियर प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। अब देखिए अगर हम सीपीसी की बात करते हैं तो देखो सीपीसी में, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल और साधारण सी बात करूँ सीपीसी में, तो सीपीसी में हम यहाँ पर चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं। थोड़ा सीपीसी का इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, बहुत ही बड़ी इंट्रोडक्शन है सीपीसी का। हम कहते हैं सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो इसका सेक्शंस है, सेक्शंस है, और दूसरा पार्ट जो है वो शेड्यूल है। हर एक्ट के आखिरी में शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट सेक्शन है और दूसरा पार्ट जो है इसका, दैट्स कॉल्ड हियर ऑफ कोर्स द शेड्यूल। और हम शेड्यूल के बारे में बात करें तो यहां पे शेड्यूल जो है एक ही शेड्यूल है जिसको हम कहते हैं शेड्यूल वन। सेक्शंस टोटल जो है एक से लेकर के 158, मतलब बड़े ही कम सेक्शन, सोचोगे बड़े सस्ते में पीछा छूटेगा इस कोड से, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सेक्शंस हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेक्शन को कोऑर्डिनेट करता हुआ यहाँ पे शेड्यूल भी है, और अगर शेड्यूल की बात करूँ तो शेड्यूल में ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर के अंदर रूल्स हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर के अंदर जो है वो रूल्स हैं। अब लेट अस सी द पॉइंट फॉर पी गॉट डेट, अब सुनिए जरा, ऑर्डर्स हैं और फिर रूल्स हैं। ऑर्डर जो है टोटल 51 है, 51 ऑर्डर है। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन है, अगर मान लो सेक्शन 1 से लेके 158 तक जो प्रोविजंस है पूरा, वो क्या है, वो कंप्लीट एक्ट है। लेकिन उस एक्ट ने हर जगह ये कहा है कि इसके प्रोसीजर को समझने के लिए शेड्यूल में जाओ, और शेड्यूल कहता है कि भाई हमने ऑर्डर लिख रखे हैं, ऑर्डर को देखो। तो जब हम सीपीसी पढ़ते हैं ना, तो हमको सेक्शंस, ऑर्डर्स प्लस रूल्स, वो तीनों पढ़ने पड़ते हैं। सेक्शंस, ऑर्डर्स, रूल्स, तीनों पढ़ने पड़ेंगे। अब रीजन बताता हूं, देखो सिचुएशन क्या है, अब यहां समझिए। एक से लेकर 58 तक सेक्शन, इसको बनाता कौन है, तो इसको बनाने वाली जो बॉडी है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, और इसको जो अमेंड करने का काम करेगा वो कौन करेगा, वो भी पार्लियामेंट करेगी। मतलब सीपीसी के सेक्शंस को अगर अमेंड करना है तो कौन अमेंड करेगा, वो पार्लियामेंट अमेंड करेगी, ठीक है तक। लेकिन अगर ऑर्डर्स को अमेंड करना है ना, तो ऑर्डर अमेंड करने का काम जो करेंगे वो हाईकोर्ट करेगी, दैट इज डन बाय द हाईकोर्ट, सही है। इसको हम क्या कहेंगे, हाईकोर्ट। ऑर्डर के अंदर जो रूल है वो अमेंड करने का काम कौन करेगी, वो भी हाईकोर्ट, रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट। हर स्टेट्स की अपनी हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हाईकोर्ट के कंबाइंड पावर हैं, है ना, जैसे कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कंबाइंड है, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गोवा हाईकोर्ट कंबाइंड है। तो हाईकोर्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए अपने ऑर्डर्स को डेवलप करती है, और सभी का ऑर्डर्स जो है वो एक तरह का ही होता है, और जो अमेंडमेंट करने का काम है ऑर्डर्स में वो भी कौन करता है, वो भी हाईकोर्ट करती है। तो अब इस बेसिक चीज को ध्यान रखना, सेक्शंस डेडिकेटेड टू द
गवर्नमेंट ऑर्डर्स डेडिकेटेड टू द हाई कोर्ट। जहां कोई चेंज वगैरह करने की बात आएगी तो ऑर्डर को चेंज कौन करेगा? हाई कोर्ट। अमेंड कौन करेगा? हाई कोर्ट। एवरीथिंग शैल बी डन बाय द हाई कोर्ट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट कुछ करती है इसमें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही चलती है। वहां कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के लिए। और सीपीसी और सीआरपीसी में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए है एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो विच वी गॉट अंडर द एक्ट एंड सो ऑन दैट। अब यहां देखिएगा, हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं और बिल्कुल बिगनिंग से हम चल रहे हैं इन सिचुएशंस को। तो देखिए, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स, सेक्शंस एंड ऑर्डर। और एवरी टाइम वी शुड बी फाइंडिंग आउट दैट यू नो द सेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑफ कोर्स द ऑर्डर। सेक्शंस को आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, ऑर्डर के लैंग्वेज बड़े इजी होते हैं और उसको बहुत आराम से समझा जा सकता है। मेन कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो सेक्शंस में आती है। एक सिचुएशन और समझाता हूँ और यहाँ पे समझते हैं इन सिचुएशन को, थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहली बात जो है, हम कहते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो बनाई गई, सो इट वॉज मेड बाई द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इनेक्ट की 1858 में फर्स्ट टाइम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया। और जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है? हमारे यहाँ कानून पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट का कंसेंट होता है। पहले के जमाने में क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको पास करती थी और उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का कंसेंट लेते थे, तब जाकर के एक्ट क्या होती थी, इफेक्टिव होती थी। तो 1858 का कानून था इससे पहले। फिर उसके बाद जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डेवलप हुई 1877 में, एंड दैट वाज क्योंकि वो कोड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं थी, प्रेसिडेंसी टाउन, दैट वाज स्मॉल कॉज। एंड 1877 में ये आई अपने आप, और उसके बाद जो है अब आगे भी बढ़ती गई। 1882 में भी सिविल प्रोसीजर कोड आई और अभी जो हम कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड अकॉर्डिंगली, हमारा जो आज सिस्टम कंसर्न है 1908 का कंसर्न है सिविल प्रोसीजर कोड जिसको हम देख रहे हैं। कुछ अमेंडमेंट्स आई कई सरकमस्टेंसेस में, अमेंडमेंट 2016 में अमेंडमेंट आई सीपीसी में और 2018 में अमेंडमेंट आई सीपीसी में। तो ये सारे अमेंडेड वर्जन जो हम इसको अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमारा एक मैटर रहा। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था सीपीसी के लिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सामलाल मुरारी और जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस कृष्णा अय्यर केरल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर है ना, और केरल के चीफ मिनिस्टर थे, एडवोकेट थे और एक्टिव पॉलिटिक्स में भी थे और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते बढ़ते केरल के सीएम तक बने और इंदिरा गांधी पीएम थी तो इनके सरकार को डिसमिस भी किया था, वहाँ 356 भी लगाया था। और उसके बाद फिर से ये लीगल में आ गए और फिर एलिवेट हुए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे जस्टिस कृष्णा अय्यर। और इसमें बहुत अच्छा कोइंसिडेंस रहा है कि जस्टिस कृष्णा अय्यर के सरकार को इंदिरा गांधी ने बर्खास्त किया था, डिसमिस किया था, 356 लगाया था, लेकिन जब इंदिरा गांधी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगी थी और इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने, जो वहां जस्टिस जगमोहन थे, इन्होंने इनको इलेक्शन से डीबार किया था और इनके पीएम के पोस्ट के ऊपर जो है वो खतरा आ गया था, जब वहां जस्टिस जगमोहन ने इनके खिलाफ फैसला दिया, ये इमरजेंसी की बैकग्राउंड की बात है, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की तो वो अपील जो है कृष्णा अय्यर जस्टिस के पास ही आया। उस वक्त वेकेशन बेंच थी और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ही उस केस को देखा था।
एनीवे तो कई बार लगता था कि रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिवेंजफुल एटीट्यूड कहीं ना आ जाए, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो उस सरकार को डिसमिस करवाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। इंदिरा गांधी को रिलैक्सेशन दिया, कुछ स्टे दिया ऑर्डर के ऊपर, और ऑर्डर के ऊपर स्टे देने की वजह से उन्होंने स्टे को मिसयूज किया और क्या कर दिया, इमरजेंसी लगाई। एनीवे दैट वाज द बैकग्राउंड स्टोरी। आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। कभी कभी पेपर में सेक्शंस एंड ऑर्डर्स में डिफरेंस भी आते हैं, ठीक है। तो सेक्शंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन कंप्लीटली, सेक्शन का जो है सबस्टेंसिव नेचर है। देखो अगर मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि अगर मैं एक सिंपल बात बताता हूं सीपीसी और सीआरपीसी के बारे में, मैं अगर सीपीसी बताऊं और मैं सीआरपीसी बताऊं, जो अब इसका वर्जन है बीएनएसएस है, ये बताऊं, तो सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंसिव लॉ है? नॉर्मली देखा जाएगा तो सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसमें सब्सटेंसिव टच भी ज्यादा है, सब्सटेंसिव लॉ भी है सीपीसी। ठीक उसी तरह सीआरपीसी जो है सब्सटेंसिव लॉ भी है प्लस प्रोसीजरल लॉ भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको सीआरपीसी बताता है कि बेल कैसे अप्लाई करेंगे, चार्ज फ्रेमिंग कैसी होगी, मैजिस्ट्रेट के पावर्स क्या हैं, रिमांड कितने दिनों का होगा, अगर हमको सीआरपीसी ये सब बातें बताता है तो सीआरपीसी कभी कभी अधिकार भी देता है कि एक लेडी जो अनेबल टू अर्न है, हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, कोई स्पेसिफिक रीजन है अलग रहने का, तो सीआरपीसी उनको मेंटेनेंस दिलवाता है। सेक्शन नंबर 125 और बीएनएसएस में 144 मेंटेनेंस दिलवाता है। तो इफ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंसिव लॉ है, तो मैक्सिमम पोर्शन तो प्रोसीजरल है लेकिन उसमें सब्सटेंसिव टच भी है, वो राइट्स भी देता है। ठीक उसी तरह सीपीसी भी है, सीपीसी प्रोसीजरल लॉ भी है और सब्सटेंसिव भी है। जैसे सीपीसी का सेक्शन 10, वो कहेगा स्टे ऑफ सूट, कोई सूट ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रही है और आप दूसरा सूट फाइल करने जा रहे हो, नेचर सेम है, तो वो दूसरा सूट जो है कोर्ट में एंटरटेन नहीं होगा, स्टे रहेगा जब तक पहला वाला सूट जो है वो डिसाइड ना हो जाए। सेक्शन 11 रेस्ट जुडिकेटा को बताएगा, जो कहता है कि भाई एक बार सूट हर्ड एंड डिसाइडेड है तो कोई भी कोर्ट उस केस को नहीं सुनेगी। 15-20 वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बताता है कि किसी भी सूट की फाइलिंग जो है वो कहां होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फॉरेन के कोर्ट की जजमेंट है, मतलब अगर कपल ने डिवोर्स इंग्लैंड में लिया है, अमेरिका में लिया है, तो क्या उसकी वैलिडिटी इंडिया में होगी? इंडिया में शादी किया और डिवोर्स अमेरिका में लिया, फिर इंडिया आ गए, डिवोर्स की क्या वैलिडिटी होगी? सो ये सारी बातें भी जो है ना सीपीसी स्पेसिफाई करते हैं। मतलब सीपीसी का भी जो अप्रोच है वो सिंपली ऐसा नहीं कि वो सिंपल टू सिंपल, ऑफकोर्स प्रोसीजर पे वो सबस्टेंसिव, वो राइट्स को भी बताता है, वो ऑब्लिगेशंस को भी बताता है, इन सारी चीजों को जो है सीपीसी कवर करता है। हम थोड़ा सा और सिचुएशन के ऊपर आते हैं और हम कहते हैं कि अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन जो है वो जनरल प्रिंसिपल को बताता है, ज्यूरिस्डिक्शंस को बताता है, ये सारी चीजें जो है वो स्पेसिफाई करेगा। नाउ एंड जो हमारा सेक्शंस है कैन नॉट बी अमेंडेड, अमेंड करना नहीं जा सकता। अमेंडमेंट होगी तो कैसे होगी? लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट से ही होगी। एंड जब भी हम सेक्शन को पढ़ेंगे तो ऑर्डर के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, दैट इज द वे ऑफ डीलिंग द
सिचुएशन विच वी गॉट दैट यू नो. तो ये हमारा इसमें का एक मैटर हो गया. और अगर हम एक स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हमको सिविल सूट किसी के ऊपर फाइल करना है, सिविल सूट मींस वो सूट जिसमें पर्सन की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो या ऑफिस इन्वॉल्व हो, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो या ऑफिस इन्वॉल्व हो, तो हम ऐसे सूट को क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हियर सिविल सूट. दैट इज कॉल्ड सिविल सूट. जितने भी जमीन का मामला है, पैसे का मामला है, ये सब चीजें. लेकिन जहां पर्सन पर्सनली इन्वॉल्व रहता है वो सूट क्या हो जाएगा, वो क्रिमिनल सूट हो जाएगा. और कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जो सिविल क्रिमिनल दोनों होते हैं, जैसे डेफेमेशन सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है. तो जब कभी भी हमको कोई केस फाइल करनी है तो सबसे पहला स्टेप होगा कि प्लेंटिफ फाइल कर रहा है, प्लेंट कहां पे फाइल करेगा, कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में. अब कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट को डिफाइन किया गया, बताया है कोड में ही, सेक्शन नंबर 15 से लेकर के 20 है. ऐसा नहीं कि जो कोर्ट पास में पड़ा हम उसमें जाके फाइल कर दिए. कहते जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करे वहां पे फाइल करनी है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन दाई जोड़ी है वहां पे फाइल करनी है. तो प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट फाइल करता है. प्लेंट किसको कहते हैं, शिकायत को. अगर हम प्लेंटिफ की बात करते हैं तो प्लेंटिफ में से प्लेंट निकाल दो, दैट इज कॉल्ड शिकायत, कंप्लेंट. प्लेंट मींस शिकायत और प्लेंटिफ जो शिकायत फाइल करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लेंटिफ. और जो उस शिकायत को डिफेंड करेगा उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे डिफेंडेंट, उसको हम कहेंगे डिफेंडेंट. लेकिन जब क्रिमिनल सूट होती है तो जो प्लेंटिफ होता है वो सूट फाइल करता है और सामने वाले को कहता है कोर्ट इनसे पूछिए, इनसे जवाब मांगिए इसका, इस बात का, तब उसको डिफेंडेंट नहीं कहेंगे. कोर्ट कहती तुम्हारे अगेंस्ट से शिकायत है तुम इसकी जवाब दो, हम उस पर्सन को एक्यूज्ड नहीं कहेंगे उसमें, हम उस पर्सन को कहते हैं रेस्पॉन्डेंट. हम उसको क्या कहेंगे, रेस्पॉन्डेंट. मतलब रेस्पॉन्डेंट वर्ड सिविल का नहीं होता बल्कि किसका होता है, क्रिमिनल का. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर क्रुएल्टी का एलिगेशन लगाती है और कहती है मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे मेंटेनेंस दिलवाइए. तो वाइफ क्या कर रही है, कोर्ट में एक शिकायत फाइल कर रही है, प्लेंट फाइल कर रही है. तो वो वहां क्या होगी, प्लेंटिफ होगी. और उसका हस्बैंड क्या होगा, वो क्रिमिनल पिटिशन है. तो वहां पे हस्बैंड को लिखेंगे रेस्पॉन्डेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेस्पॉन्डेंट. मतलब अगर क्रिमिनल पिटिशन होती है तो प्लेंटिफ एंड रेस्पॉन्डेंट, प्लेंटिफ एक्यूज्ड, इन्फॉर्मेंट एक्यूज्ड, ऐसे चलता है. लेकिन जब प्योर सिविल पिटिशन होती है तो हम क्या कहते हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. कभी आप कोर्ट में अगर केस फाइल करोगे और सिविल सूट है और अपोजिट पार्टी को आपने डिफेंडेंट लिख दिया, सॉरी रेस्पॉन्डेंट लिख दिया, तो अगर रजिस्ट्री डिफिकल्ट है, टफ है, तो ऑब्जेक्शन लगा के रख देगी कि साहब तुमने गलत लिखा है, यहां पर वो रेस्पॉन्डेंट नहीं है, वो डिफेंडेंट है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेस्पॉन्डेंट एंड डिफेंडेंट. वेन एवर वी आर फाइलिंग ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम हमेशा डिफेंडेंट वर्ड यूज करेंगे, हम रेस्पॉन्डेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, इट्स एवरी टाइम द डिफेंडेंट. तो प्लेंटिफ क्या करते हैं, प्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट कहती है डिफेंडेंट को, कहे डिफेंडेंट तुम इस प्लेंट का जवाब दो, तुम्हारे अगेंस्ट ये सारी शिकायतें हैं तुम इसके जवाब दो. डिफेंडेंट जवाब देता है कि ये जो कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसने पैरा इसमें जो कहा है ये बिल्कुल गलत है, इसने जो पैरा तीन में कहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिरे से नकारते हैं. इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट. तो रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करेगा, डिफेंडेंट फाइल करता है रिटन स्टेटमेंट, सही है. अब कोर्ट कहती है भाई तुमने प्लेंट फाइल किया, उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, अब मेरी बारी, हमें क्या करना है,
हम इशू फ्रेम करते हैं, इशू, तो प्लेंटिफ का प्लेंट देख करके, डिफेंडेंट का रिप्लाई देख करके अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट फ्रेम करती है इशू। ठीक उसी तरह जैसे क्रिमिनल केस में कोर्ट क्या फ्रेम करती है, क्रिमिनल केस में कोर्ट क्या फ्रेम करती है, हाँ बोलो, सही बोलो, चार्ज फ्रेम करती है क्रिमिनल केस में, और सिविल केस में क्या फ्रेम करेगी, इश्यू फ्रेम करेगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेमिंग ऑफ इश्यू एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द पार्ट ऑफ द क्रिमिनल केस और फ्रेमिंग ऑफ इश्यू सिविल में होता है, सही है। और कोर्ट वहां पे मेंशन करती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, हमेशा ध्यान रखना सिविल केस में कोर्ट स्पेसिफाई करेगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे या डिफेंडेंट पे है, और क्रिमिनल में कानून स्पेसिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि हाँ प्रोसिक्यूशन प्रूफ करे। लेकिन अगर कोई दूसरे लॉ की बात करें तो जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया या डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, एक बार लेडी ने एलिगेशन लगाया कि इसने मेरे से डॉरी मांगा, डॉरी नहीं मिलने की वजह से शादी में से मना कर दिया, तो हर एक कोर्ट मांगेगा कि लेडी सही बोल रही है, इसने जरूर मांगा है, उसको कहेगी तुम प्रूफ करो कि तुमने नहीं मांगा है, क्योंकि वहां सीआरपीसी के प्रोसेस चलते हैं और डॉरी प्रोविजन एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगती है, और जिसके ऊपर एलिगेशन लगी और अगर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है तो कोर्ट बेल नहीं देती, कोर्ट पहले कह देती भाई इनोसेंट प्रिजम्पशन खत्म है इस केस में, तुम्हें इनोसेंट मानते तो बेल देते, तुम्हें जब इनोसेंट मान ही नहीं है तो हम बेल कैसे देंगे। तो ऐसे कई सारे एक्ट होते हैं जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेचारे केजरीवाल दो स्टेटमेंट्स क्या मिल गए ईडी को, केजरीवाल अंदर और बर्डन प्रूफ किसके ऊपर, केजरीवाल के ऊपर, वो प्रूफ करें कि वो क्या है, इनोसेंट है। वैसे कल उनको बेल मिल जाएगी, कल नहीं 9th को डेट है, मैं कोर्ट में था कल और देखा था कोर्ट ने पूरा मूड बना लिया था उनको बेल देने का, और बेल मिल ही गया होता कल। अब कोर्ट एक बैकग्राउंड सोच रही है कि ग्राउंड क्या लिखे ताकि ये ऑर्डर आगे कहीं कुछ दूसरे सिस्टम में इफेक्ट ना करे। इंटरिम बेल शायद मिल जाए इलेक्शन को कैंपेन करने के लिए, इंटरिम बेल, सिंपल इंटरिम बेल, और इलेक्शन कंप्लीट फिर से जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कल कल 9 है ना, कल 9th है ना, कल की डेट दी हुई है, कल 12:30 बजे फिर वो केस है, और कल शायद बेल जो है ग्रांट कर दें, है ना। सुनिए, तो यहां क्या कह रहे थे, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे थे, मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूं बेसिक का। सिविल में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाती है, That shall be decided by the court while framing the issue. But criminal case में court के पास power नहीं है, power किसके पास है, कानून के पास, act के पास। Act कहता है कि burden of proof जो है किसके ऊपर जाएगी। जैसे आपने POSCO पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा 6 में 7 में burden of proof किसके ऊपर रहता है, किसके ऊपर रहता है, पॉक्सो में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, एक्यूज्ड के ऊपर रहता है, नहीं एक्यूज्ड के ऊपर लगता है रहता है। और 8 में किसके ऊपर रहता है, पॉक्सो में 8 में रहता है विक्टिम के ऊपर, सेक्शन 8 में विक्टिम के ऊपर। तो कभी कोई कहे कि भाई पॉक्सो लग गया जेल में है, बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूछो कौन सा सेक्शन लगा है, वो कहता है 6, रहो अंदर, पूरी ट्रायल अंदर रहना पड़ेगा, उसमें नहीं मिलेगा। 8 में वो तो मैजिस्ट्रेट ही दे देंगे, 8 में मिल जाएगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, राइट ना, तो यही होता है। तो अप्लाई होता है, लेकिन एविडेंस एक्ट भी वही रेफर कर दिया है, उसको देख लो, है ना, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड वर्ड लिखा हुआ है। एविडेंस एक्ट कहते हैं हमारी बात सही, हम बोल रहे हैं, सुन लो, पूरा बर्डन प्रूफ पे बोला है, कई सेक्शंस हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर कहता है कि एक्ट को देख लो, अगर एक्ट मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करे
तो मुझे व्रत मानना, उसको मानना, सही है। दिस वन, अब देखिए, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगी कोर्ट, बोलेगी भाई तुम एविडेंस पेश करो, तुम एविडेंस पेश करो। अब कोर्ट डिसाइड करेगी सारे कॉन्ट्रोवर्सियल इश्यू। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, डिक्री प्रोवाइड कर दिया। लेकिन डिक्री आते ही क्या पार्टी बात को मान लेगी कोर्ट की? नहीं मानेगी। उसके लिए डिक्री की क्या होगी, एग्जीक्यूशन होगी। एंड उसके लिए डिक्री की एग्जीक्यूशन होगी। सो दिस इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज। क्या होगा इसका लास्ट स्टेज जो होगा वो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा। सो दिस इज, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम यहां पे बहुत देखते हैं, डिक्री समझते हैं। डिक्री कहां डिफाइंड है, सेक्शन टू, और इसको क्या कहें, सब सेक्शन कहेंगे, इसको हम क्लॉज कहेंगे, सेक्शन टू क्लॉज टू। हम कहते हैं ना 15(1)(a), ये सेक्शन होता है, ये सब सेक्शन होता है, और ये क्लॉज होता है। सब सेक्शन और क्लॉज में अंतर क्या होता है, सब सेक्शन सेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन क्लॉज बिल्कुल सेपरेट होता है उससे, क्लॉज हमेशा सेपरेट होता है। लेकिन डेफिनेशन जब है तो सेक्शन टू वन एंड टू टू दोनों कनेक्टेड नहीं है आपस में, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। मतलब सेक्शन में हमेशा, कभी जब हम टू वाले में सेक्शन के साथ सब सेक्शन नहीं बोलते, सेक्शन के साथ क्लॉज बोलते हैं। चलिए अब आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि यहां पर डेफिनेशन पे आते हैं। और पहला डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, द डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू विल से दैट डिक्री, और सीपीसी स्टार्ट ही होती है, और सबसे पहले जो डेफिनेशन लेके आते हैं दैट्स कॉल्ड डिक्री। और अगर डेफिनेशन को बढ़िया से समझ लिया तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, और इवन क्लास में डेफिनेशन याद भी हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोकस्ड पॉइंट ऑन टू द मैटर कंसर्न विद द डेफिनेशन, व्हाट इट इज गॉट दैट यू। अब देखिए जरा, सुनिए ध्यान से, कहते डिक्री, तो पहले मैं लेमैन की तरह बता देता हूं, फिर कोर्ट के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या वो बताता हूं। देखो कोर्ट, अगर मान लो कि इस लैंड के ऊपर डिस्प्यूट है, ये जो लैंड है, हाउस है, इसके ऊपर डिस्प्यूट है, ए कहता है मेरा है, बी कहता है मेरा है, तो ए कोर्ट में चला गया, केस फाइल कर दिया, कोर्ट में सारी बातें देखी, सारे सबूत देखे, सारे एविडेंस देखे, और कोर्ट फाइनल डिसाइड की ये जमीन किसकी है, बी की है। कोर्ट ने बी के फेवर में लैंड को डिक्लेयर कर दिया, तो हम कहते हैं कोर्ट की डिक्री, जिसमें कोर्ट ने पार्टी के राइट्स को डिसाइड कर दिया, हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको कहते हैं ये कोर्ट की क्या है, डिक्री है। मतलब पार्टीज का जो अधिकार था इस केस में, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हां साहब ये लैंड जो है ये बी की है और ए का नहीं है, कोर्ट ने फाइनली जो है स्पेसिफाई कर दिया इन सारी बातों को। तो कोर्ट की जो ये एक्सप्रेशन है, जो कोर्ट ने कहा, हम उसको सिंपली कहते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड, इट्स द डिक्री ऑफ द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड डिक्री, इसको हम डिक्री कहते हैं, ठीक है ना। अब एक्ट के लैंग्वेज को देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो डिक्री होगी, बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो डिक्री नहीं होगी। अब मैं समझाता हूं पॉइंट को, देखिए जरा। सबसे पहली बात, जैसे मैं अलग अलग कलर से इसको मार्क करूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा मीनिंग चेंज होगा। कहते हैं डिक्री मींस कोई भी डेफिनेशन की जो शुरुआत होगी, या तो मींस से होगी या इंक्लूड से होगी। आप हमेशा देखेंगे दो तरह के वर्ड्स हो सकती हैं, या तो मींस होता है या फिर इंक्लूड होता है, मींस या फिर इंक्लूड। अगर मींस से शुरुआत है तो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, और इंक्लूड से है तो डेफिनेशन इंक्लूसिव है। आप इसको ध्यान रखिएगा,
इंक्लूसिव डेफिनेशन और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन अंतर क्या होता है, पहले तो ये बता दो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में जब भी डेफिनेशन आएगा एग्जॉस्टिव वाला आता है, इंक्लूसिव वाले से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप बोलोगे पहचानेंगे कैसे, तो जहां देखना डेफिनेशन इंक्लूड है दैट इंक्लूड्स, समझ जाओ डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव डेफिनेशन कहते हैं कि इसमें और बातों को हम ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि मिलती जुलती बातें हैं तो आप उसको ऐड कर दो। जैसे डेफिनेशन है सैलरी, कहते सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, डीए, ये दो बातें करके छोड़ दिया। हम कहते एचआरए नहीं होगा तो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, डाल दो एचआरए भी होगा, हाउस रेंट अलाउंस। बट वही अगर डेफिनेशन एग्जॉस्टिव हो तो जितना लिखा है वो उतना ही होगा, इंटरप्रिटेशन उसी पे करो। तो हम कहते हैं सिचुएशन को देखिएगा, सैलरी डिक्री मींस व्हाट इज कॉल्ड द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, सिंपल एक्ट का लैंग्वेज आप इसको ध्यान रखिएगा, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। देखिए हम कहते हैं एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है पूरी, कोर्ट में केस फाइल हुआ, कोर्ट ने नोटिस किया अपोजिट पार्टी को, अपोजिट पार्टी कोर्ट में आई, अपनी रिप्लाई की, जवाब दिया, एविडेंस फाइलिंग हुई, तो इन सबको क्या कहते हैं हम, एडजुडिकेशन कहते हैं। अब एक बात होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब वो एक्सप्रेशन जो एक रूटीन में भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जब चाहे तब बोल दिया, कोर्ट स्पेसिफाई करेगी कि दिस इज द डेट ऑफ द डिग्री, आज हम ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे तो कोर्ट ने पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डिग्री। अब जैसे कोर्ट बैठी हुई है, जज साहब को गुस्सा आया, जाओ तुमको नहीं देंगे जमीन, ये तुम केस हार गए, जाओ केस डिसमिस, कैन बी सेड दैट इट्स ए डिग्री, नो, बिकॉज द केस वॉज नॉट पुट ऑन टू द ऑर्डर। जब केस ऑर्डर पे रखी जाती है और तब जो कोर्ट का जो फैसला आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट थिंग इज कॉल्ड व्हाट, तब हम उसको कहते हैं वो क्या है, वो डिक्री है। तो डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। आप सुनिए जरा क्या है वो, अब आगे कहते हैं विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग, यहां जो कोर्ट एक्सप्रेस कर रही है, जो कोर्ट बता रही है, तो कोर्ट कर क्या रही है, तो कोर्ट कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है, कैसे क्या कर रही है, कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, कोर्ट ने डिक्री दिया, कल आप फिर से कोर्ट को पहुंच जाओ कि सर इस डिक्री में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपने ये सब चीजें नहीं देखा था और खामखा आपने डिक्री दे दी, तो थोड़ा चेंज कर दीजिए। कोर्ट बोलेगी नहीं साहब हम नहीं कर सकते, हमने क्या किया, कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया है, कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली का मतलब अब फर्दर नहीं सुनी जा सकती है, उतना ही था उसके बियॉन्ड नहीं, सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन कर रही है, द राइट्स ऑफ द पार्टीज, जैसे उसमें दो पार्टी है, ए है और बी है, दोनों के राइट्स को क्या की, डिटरमाइन कर दी, विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी इन टू द सूट। कोर्ट ने अगर मान लो पूरे घर के ऊपर केस था तो या तो एक पोर्शन का फैसला दे दिया या पूरे घर का फैसला दे दिया। तो देखिए सुनिए ध्यान से सुनिए, डिक्री का डेफिनेशन क्या है, डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब यहां पे देखिएगा, अगर मैं डिक्री के डेफिनेशन के ऊपर आऊं देन पॉइंट इज वेरी क्लियर। हम कहते हैं अगर डिक्री के डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 में डिफाइंड है, और डिक्री कहा, क्या कहा डिक्री, नंबर 1 डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका, एडजुडिकेशन का,
which so far as regards the court expressing, which so far as regards court expressing, क्या कह रहा है? Conclusive determine कर रहा है. क्या determine कर रहा? Rights of the parties. किसको लेकर के? With regard to all or any of the matter controversy to the suit. तो अगर decree का definition करते हैं तो decree का definition तो simple है. वो कहते हैं decree means the formal expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter controversy to the suit that thing is called decree. अब हम यहां पे आते हैं. अब सुनिए जरा ध्यान से बात को. कंट्रोवर्सी सूट. एंड अब देखिए, अब इस सिचुएशन को आगे समझते हैं. अब कहते हैं इट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल. अब देखो दो तरह की डिक्री होगी. एक प्रिलिमिनरी डिक्री होगी और एक ही होगी फाइनल डिक्री होगी. अब सुनिए क्या है, इसको समझ लीजिए पहले. अब देखिए समझते हैं. देखो एक लेडी गई कोर्ट को, कहा कि जज साहब मुझे ना मेंटेनेंस दिलवाओ, मेरे हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलवाओ. राइट, कोई भी हो सकता है, बच्चे जा सकते हैं पेरेंट्स के अगेंस्ट, है ना, बच्चे जा सकते हैं पेरेंट्स के अगेंस्ट. और चाइल्ड एज कितना, बिलो 18 इयर्स, उसके बाद में वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जा सकते हैं मेंटेनेंस के लिए. पेरेंट्स जो हैं वो किसके अगेंस्ट जा सकते हैं, वो अपने बच्चों के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वो भी बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं, है कि नहीं. हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस ले सकते हैं, ले सकते हैं हस्बैंड वाइफ से ले सकता है. हस्बैंड अर्न नहीं कर रहा, वाइफ काफी अर्न कर रही है. और नाउ द हस्बैंड आस्क दैट यू नो टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस वाइफ से, ले सकता है नहीं ले सकता. एक कानून है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24, हस्बैंड वाइफ से ले सकता है. सीआरपीसी में वाइफ हस्बैंड से ले सकती है ना. सो बीवी एक्ट में वाइफ हस्बैंड से ले सकती है. हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा है जो हस्बैंड को ऑर्डर, हस्बैंड को अथॉरिटी देता है, राइट देता है मेंटेनेंस ले. अब एक सुनिए जरा बात को. जब भी मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तो उसमें कोर्ट से एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ना जब तक पिटीशन डिसाइड ना हो, जब तक डिसाइड हो रहा तब तक लिए हमें इंटरिम मेंटेनेंस दे दीजिए. इंटरिम मेंटेनेंस, जैसे लेडी है ना, जब सीआरपीसी में पिटीशन लगाएगी तो एक इंटरिम एप्लीकेशन भी लगाती है, कहती है कि जब तक पिटीशन डिसाइड नहीं हो जाता तब तक इंटरिम मेंटेनेंस दे दीजिए. अब इंटरिम मेंटेनेंस दे या ना दे, कोर्ट उस पर भी सोचती है कि इंटरिम मेंटेनेंस दे या ना दे. नॉर्मली कोर्ट देती है. अगर कोर्ट कहती है एफिडेविट लाओ, दोनों कहती है एफिडेविट फाइल करो, इनकम स्टेटमेंट फाइल करो, और कोर्ट को लगता है कि नहीं मिलनी चाहिए, तो कोर्ट एक अमाउंट जो है इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पे डाल देती है कि हाँ साहब, हस्बैंड को कहती है तुम 10,000 मंथली जो है अपनी वाइफ को जब तक केस की सुनवाई चल रही है तब तक पे करो. इसको क्या क्या, इंटरिम मेंटेनेंस. अब कहने के बाद अब कोर्ट बोलेगी ये तो हो गया, अब प्लेंटिफ एविडेंस फाइल करो. अब लेडी को बोलेगी कि आप कोर्ट में सबूत फाइल करो, जो आपने एलिगेशंस लगाए उसके एविडेंस फाइल करो. फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. फिर हस्बैंड को बोलेगी कि तुम अपने सबूत को फाइल करो. फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा,
और ये पिटीशन डिसाइड होते होते 3 से 4 साल लग जाते हैं, 5 साल नहीं लगते हैं, 7 साल ही लगते हैं आराम से। वो तो शुक्र है BNSS आ रहा है, वो कह रहे हैं 3 साल में पिटीशन सारे अब डिसाइड करने हैं। तो वो इस बीच में क्या मिलता रहा, इंटरिम मेंटेनेंस मिलता रहा, और फाइनली मेंटेनेंस सब कब डिसाइड होगा जब कोर्ट सारे कुछ देख लेगी। तो जो इंटरिम मेंटेनेंस जो कोर्ट ने अलाउ किया दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रिलिमिनरी डिक्री, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिक्री, सही है। और फाइनल जब डिसाइड करेगी दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाइनल डिक्री। सो इन एनी केस व्हाट यू आर फाइंडिंग ऑन दैट नो, अब जैसे फॉर एग्जांपल और मैं बताता हूं तुम्हें, और तुम्हें बताता हूं नॉर्मली इस हाउस में एक टेनेंट रहते हैं और ये लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड टेनेंट को बोला घर खाली कर दो, टेनेंट घर खाली नहीं कर रहे, व्हाट द लैंडलॉर्ड में डू, लैंडलॉर्ड विल गो टू द कोर्ट फॉर द इविक्शन ऑर्डर। कोर्ट क्या करेगी, इमीडिएटली टेनेंट को खाली करने को बोलेगी, नहीं अभी भी प्रोसीजर बहुत लंबा चलना है। कोर्ट पहले टेनेंट को नोटिस करेगी, टेनेंट कोर्ट में आएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये एप्लीकेशन है, इसकी जवाब दो, फिर अगली हियरिंग पड़ेगी, 5-6 साल केस चलेगा तब जाके फैसला आएगा। लेकिन मीनवाइल पहले ही दिन कोर्ट को डिसाइड ये करना है कि जब तक मुकदमा चल रहा है घर का पोजीशन किसके पास रहेगा, कब्जा किसके पास रहेगा, मकान मालिक के पास या किरायेदार के पास। तो कोर्ट जो उसको डिसाइड की कि हाँ टेनेंट के पास ही रहने दो, तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिग्री। तो जब भी डिग्री कहते हैं तो इट मे आइदर बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। ऐसा नहीं कि प्रिलिमिनरी डिग्री जो है फाइनल डिग्री भी वैसी हो जाएगी, रिवर्स भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो अगर डिग्री का डेफिनेशन पढ़े तो क्या है, इट इज डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विथ सो फार एज कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी टू सूट, इट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। सही है, ठीक है, किसको याद हुआ डिग्री का डेफिनेशन, किसी को याद हुआ पूरा डेफिनेशन बताइए, क्योंकि 5 मार्क्स में डिग्री का डेफिनेशन ही आता है, डिफाइन करो और हू बहु एक्ट के लैंग्वेज को लिख दोगे ना, देन यू विल गेट 5 out of 5 कंप्लीट मिल जाएंगे। क्वेश्चन आता है डिफाइन डिग्री एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स भी यहीं से बनेगा। सो कुछ खास नहीं है डिग्री के डेफिनेशन में, डिग्री मीन्स है द फॉर्मल एक्सप्रेशन किसका, एडजुडिकेशन का, विथ सो फार एज कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी टू द सूट। नाउ एंड तो दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, दिस थिंग इज कॉल्ड डिक्री। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिचुएशन क्या है, लेट अस ट्राई टू हैव दैट। चलिए आगे डेफिनेशन का कुछ और पार्ट भी है, समझिए डेफिनेशन का एक और पार्ट है।
कहते हैं इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. सी देखो, अगर कोर्ट में केस जाती है, अगर किसी में कोर्ट में केस फाइल हुआ, कहते हैं ए है, ए ने बी के अगेंस्ट एक कोर्ट में केस किया, कहां केस किया, कोर्ट में. अब कोर्ट क्या क्या फैसला देगी, या तो अलाउ कर सकती है कि भाई तुमने जो कहा चलो ठीक है हम डन करते हैं, तुम्हारे क्लेम हम अलाउ करते हैं. दूसरा क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, अलाउ करेगी या फिर डिसमिस करेगी. तीसरा क्या हो सकता है, ए ही बोलेगा कोर्ट को सर गलती से फाइल हो गई, विड्रॉ करते हैं केस को, तो विड्रॉ भी हो सकता है ना. चौथा क्या हो सकता है, इसका रिटर्न हो सकता है, सूट रिटर्न कर सकती है कोर्ट. रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं बन रहा था यहां पे, और तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं बनने के वजह से हम सूट क्या कर दिए, वापस कर रहे हैं. इसका मतलब अब जाओ कोई दूसरे कोर्ट में फाइल को जहां जुरिस्डिक्शन बनेगा. और चौथा क्या एक और हो सकता है, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन किया सूट को, रिजेक्ट कर दिया, दिस वन द पॉइंट, रिजेक्शन कर दिया सूट की. तो कितनी बातें हो गई, अलाउ, उसके बाद डिसमिस, विथड्रॉ, उसके बाद रिटर्न करना, और एक होता है रिजेक्ट करना. सूट को रिजेक्ट करना मतलब इस सूट की मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है. कोर्ट कहती है कि भाई इसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं है, मेंटेन ही नहीं हो सकता ये सूट. कोर्ट ने सिंपल ये स्पेसिफाई कर दिया, इट्स नॉट मेंटेनेबल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, सेक्शन 125 सीआरपीसी में, सेक्शन 125 सीआरपीसी में हस्बैंड ने मेंटेनेंस सूट फाइल कर दिया वाइफ के अगेंस्ट में कि मुझे मेंटेनेंस दिलवाओ मेरी वाइफ से. कोर्ट ने पिटीशन पर देखा और कहा कि अरे ये केस मेंटेनेबल कहां है, वाइफ अनेबल टू अर्न है तो मेंटेनेंस मांगती है, लॉ में ये लिखा हुआ है. हस्बैंड अनेबल टू अर्न है वो मेंटेनेंस मांगे, वो तो 125 में नहीं लिखा हुआ है. तो कोर्ट इस केस को क्या करेगी, इस केस को क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी. इसको कहते हैं रिजेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड वॉट. इसको भी क्या कह दिए, ये भी डिक्री कहलाया. तो अब हम देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे सिचुएशन, अब सिचुएशन ये है, इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन नंबर 144. डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144. देखो 144 सीपीसी का क्या होता है कि इसमें आपके राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारे राइट्स को रिस्टोर करवाए जाते हैं. सेक्शन नंबर 144 में राइट्स को रिस्टोर करवाया गया. तो इसको भी क्या कहा गया, इसको भी कहा गया कि ये क्या है, ये डिक्री है. तो सुनो, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ए डिक्री, और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस अंडर सेक्शन 144 इट्स आल्सो ए डिक्री. लेकिन डिक्री क्या नहीं है, अब इसको देख लो. कुछ चीजें हैं जो डिक्री नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड, डेफिनेशन अभी आगे भी है, बट डज नॉट इंक्लूड. सुनिए, नंबर वन, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर फॉर द डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट. एनी ऑर्डर फॉर द डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट. सबसे पहली बात देखना, डिक्री किसको नहीं कहेंगे, डिक्री किसको नहीं कहेंगे, नंबर वन. अब सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए बात को, डिक्री किसको नहीं कहेंगे, नंबर वन, अगर अपील लाई कर रही है, अगर अपील लाई कर रही है तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा. एनी एडजुकेशन फॉर विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर. अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो चीजें होती हैं,
डिक्री के जैसी एक और चीज है, सुनो। अगर हम कहते हैं डिक्री और एक कहते हैं ऑर्डर, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का। ये कंक्लूसिव डिटरमाइन करती है, लेकिन ये कंक्लूसिव डिटरमाइन नहीं करती है, ठीक है ना। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये डिक्री है। अब अपील की बात करते हैं, तो यहां पे अपील जो है ना, अपील ऑलवेज अलाउड है। हर एक डिक्री में अपील अलाउड होती है जब तक अपील रोका नहीं गया हो उस डिक्री में। इन डिफॉल्ट अपील अलाउड होती है, लेकिन ऑर्डर में अपील इज प्रोहिबिटेड अनलेस अदरवाइज अलाउड। अब इस बात को थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। देखिए सुनिए, हर एक ऑर्डर पे अपील नहीं हो सकता। जब आप ऑर्डर 43 पढ़ोगे, ऑर्डर 43 पढ़ोगे और सीपीसी का सेक्शन 104 पढ़ोगे, तो इसमें बताया जाता है कि अपीलेबल ऑर्डर कौन सा है, कौन सा ऑर्डर है जिस पर अपील कर सकते हैं, और जिस ऑर्डर का जिक्र वहां नहीं है उस पर अपील नहीं होती है। जिस ऑर्डर का जिक्र वहां नहीं है उसके ऊपर अपील नहीं होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, पहले भी अपना ही केस बताया था आपको, जैसे कि हमारा ही केस था सेबी के साथ, हमारा केस था सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, और सेबी ने हमारे अगेंस्ट एक पेनल्टी लगा दी थी, तकरीबन 17 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी थी। तो अब इसके लिए अपील करना पड़ता है, सेबी के ऑर्डर के खिलाफ अपील होती है सैट में, सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल में, और 60 दिन के भीतर करना होता है। हमने 60 दिन के भीतर नहीं किया, काफी लेट हो गई थी। सैट को रिक्वेस्ट किया कि डिले की कॉन्डोनेशन कर दे, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन भी लगाए थे। सैट बोला कि डिले को कॉन्डोन नहीं करेंगे, आपका डिले माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका रीजन मुझे सही नहीं लगता। और सैट ने यह बोल करके हमारा अपील सुनने से इनकार कर दिया और पिटिशन क्या कर दी, डिसमिस कर दी। बड़ी गजब लगा कि भाई इतनी तैयारी करो, इतना देखो, और सैट ने 2 हियरिंग में पिटिशन डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब सेबी एक्ट में लिखता है कि सैट अगर केस के सैट के ऑर्डर से आप एग्रीड हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो मेरा सोचना था कि सैट ने लिमिटेशन के बेसिस पर ऑर्डर डिसमिस किया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगी, क्या ये अपीलेबल ऑर्डर है। हमने ऑर्डर 43 पूरा पढ़ा, सेक्शन 104 105 सीपीसी का पूरा पढ़ा, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि लिमिटेशन के बेसिस पे केस डिसमिस्ड हो तो अपील कर सकते हैं। मतलब हम बुरी तरह से फंस गए कि ये तो अपीलेबल ऑर्डर भी नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील के लिए चले जाए तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज पूछेंगे कि भाई साहब वकील आप अपील कैसे कर रहे हो, इसमें ये तो अपीलेबल ऑर्डर ही नहीं है, आपका तो केस लिमिटेशन के बेसिस पे डिसमिस हुआ है, लिमिटेशन के बेसिस पे डिसमिस हुआ है, ये तो अपीलेबल ऑर्डर ही नहीं है। तो मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट केस सुनेगी, नहीं सुनेगी, वो भी मना कर देगी। हम तो गए, लेकिन यही डिग्री का डेफिनेशन देखो यहां पर क्या कह रहे हैं। यहां पर सिंपली इसी बात को अब स्पेसिफाई किया है, यह कहता है कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम द विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर दैट वाज। तो कहते एनी अपील और एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, हमने डिफॉल्ट किया, लिमिटेशन के भीतर सूट नहीं फाइल की, हमारा सूट क्या हुआ, डिसमिस हो गया। तो वो जो डिसमिस हुआ वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा या डिग्री कहलाएगा। वो कहता है ये डिग्री नहीं है, इट शैल नॉट इंक्लूड, वो कहता है ये डिग्री ही नहीं है। आप जो लेके आ रहे हो कोर्ट में, जो आपका केस डिसमिस हुआ है डिफॉल्ट की वजह से, वो डिग्री नहीं कहलाएगी। तब वो क्या कहलाएगा, वो ऑर्डर कहलाएगा। तो हम ऑर्डर कहलाएगा
तो हम देखेंगे कि ये अपीलेबल ऑर्डर है कि नहीं है। तो हम ऑर्डर 43 में देखें कि अपीलेबल ऑर्डर ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो सुनने ही वाली नहीं है। तो ऐसा जब भी होता है ना कि आपकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती, उधर भी नहीं हो सकती, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, रिट फाइल करना। हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया, रिट ऑफ मैंडामस, कि हमारे पिटीशन को सुना जाए, क्योंकि हमारा केस अभी तक सुना ही नहीं गया है और हमसे जो है 17 लाख रुपए जो है सरकार ने रिकवर भी कर लिया है। लेकिन वहां पे अब कोर्ट को ये सारी बातें समझानी पड़ेगी। कोर्ट में अपोजिट पार्टी जो सेबी के वकील है वो कह रहे कि सर इसका तो अपील सुप्रीम कोर्ट में लगना चाहिए था, क्योंकि सैट से डिसमिस है, सुप्रीम कोर्ट का अपील लगना चाहिए था। अब हम बताते हैं कि ये डिक्री है ही नहीं, क्योंकि ये डिसमिसल फॉर क्या है, डिफॉल्ट है, ये डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है, और जब डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है तो ये डिक्री ना होगी, क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और ऑर्डर है तो हमको देखना पड़ेगा अपीलेबल ऑर्डर है कि नहीं। तो हमने वहां जज को दिखा दिया पूरा कि ऑर्डर 43, जज भी फटाफट सीपीसी मंगवाई, पूरा ऑर्डर 43 पढ़ा, देखा कहीं नहीं है लिमिटेशन की वजह से केस डिसमिस हो तो अपील हो सकता है, सेक्शन 104 105 कहीं नहीं लिखा हुआ था, कैसा हो सकता है। तो जज भी एक तरह से माइंड में बिठा दी कि नहीं साहब अपील नहीं हो पाएगा इसके ऊपर, रिट सही है और रिट मेंटेनेबल है इसके ऊपर। सो दैट इज द वे ऑफ द सिचुएशन। अब सुनिए फिर से डिक्री का डेफिनेशन। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विद सो फार एज द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी टू द सूट, इट मे आइदर बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। अब आगे बताते हैं कौन सी चीजें डिक्री है, कौन सी डिक्री नहीं है। तो इसमें कहता है इट शैल बी डीम टू इंक्लूड क्या, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। ये इंक्लूड है डिक्री में, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और 144 की डिटर्मिनेशन, ये डिक्री है। लेकिन adjudications from which appeal lies as an appeal from an order, वो डिक्री नहीं है। अगर ऑर्डर है, ऑर्डर का अपील लाई कर रही है, तो फिर वो डिक्री नहीं कहलाएगी, या फिर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है तो फिर वो डिक्री नहीं कहलाएगी। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4-5 बातें लिखी रहती है, पूछता है कि बताओ ये डिक्री है, ये ऑर्डर है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है। दिस वन, अब मुझे बताओ आपको सूट को विड्रॉ कर लिया गया, पार्टी सूट फाइल की, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल की, जज ने 10 गलतियां निकाल दी, देखो भाई क्या फाइल की हो तुम सूट, ये कमी है वो कमी है, अपोजिट पार्टी भी देख रही है, वो कहता है सर सूट विड्रॉ करता हूं मैं, जज ने लिख दिया ऑर्डर में सूट इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन, सूट इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन। अब बताओ ये ऑर्डर डिक्री है कि नहीं है। अगर तुम कहते हो कि ये डिक्री है तो कल को दोबारा से वो सूट फाइल होगी, तो पहला ऑब्जेक्शन ये होगा कि सर ये सूट डिसाइड हो चुका है, डिसमिस हो चुका है, सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा से बाहर है। आपको बताना है डिसमिस्ड एज विड्रॉन डिक्री है या डिक्री नहीं है, बोले जरा, डिसमिस्ड एज विड्रॉन। आपको ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं, ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं, एक हस्बैंड है और वाइफ है, नॉर्मल बिल्कुल चलता एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, हस्बैंड है वाइफ है, दोनों में लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया, दोनों क्या हो गए, सेपरेटेड हो गए, और नॉर्मली बच्चा किसके पास है, हस्बैंड लेके चला गया बच्चा, 5 साल का बच्चा है, हस्बैंड लेके चला गया। अब वाइफ बच्चे को लेना चाहती है ना, फीमेल चाइल्ड है, वाइफ सोचती कि बच्चे की कस्टडी इसके पास मिले, कौन सा एक्ट है जो वाइफ की, इसके लेडी की हेल्प करेगा बच्चे की कस्टडी दिलाने में, गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट कह रहे हैं, सही बात है। और भी कोई कानून, और भी कोई कानून, अब गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट पे चलेंगे तो 3 साल लग जाएगा, 3 से 4 साल लग जाएगा, टाइम लगेगा गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट में। और भी कोई कानून, अभी मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले,
लेडी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया कानून है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अब भी कोर्ट में खड़ी हो जाएगी, 2 से 3 ईयरिंग केस खत्म, बच्चा मिल गया लेडी को, है ना, डीवी एक्ट में। लेकिन उसके लिए उसको प्रूफ करना पड़ेगा, पाइना प्राइमा फेसे बताना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। नहीं होगा डोमेस्टिक वायलेंस अगर नहीं हुआ तो तब तो डीवी वाला केस भी नहीं लगेगा। और कौन सा कानून है जो इसकी मदद कर सकता है गार्जियन रिवॉर्ड्स एक्ट के अलावा? एक हिंदू मैरिज एक्ट में भी एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 23 की, जब डिवोर्स पिटीशन फाइल होती है तो उसमें चाइल्ड कस्टडी की एप्लीकेशन वहां भी लगती है। अच्छा यूट्यूब पे सर्च करके देखो, यूट्यूब पे बोलोगे कि हाउ टू गेट कस्टडी विद इन ए वेरी फ्यू टाइम, तो अगर जैसे आप यूट्यूब पे डालोगे सर्च में वो दिखाएगा 3 दिन में बच्चा वापस पाए। आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं। जब आप उस वीडियो पर प्रेस करोगे तो वकील साहब हैं कहते हैं हैबियस कॉर्पस फाइल करो, रिट, हैबियस कॉर्पस की रिट। हैबियस कॉर्पस की रिट समझते हो, फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो 5 रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोबेशन, सर्टियोरी एंड वारंटो की रिट होती है। और यहां कहता है कि बच्चे की जो डिटेंशन है वो गैर कानूनी है और वो रिट फाइल करो। अब वीडियो देखा, बड़े इंस्पायर्ड भी होते हैं लोग, और इंस्पायर्ड होने के बाद ना वो रिट फाइल कर भी देते हैं, हैबियस कॉर्पस का, हैबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर देते हैं। अब जहां हैबियस कॉर्पस का रिट गया कोर्ट में, जज साहब का तो गुस्सा देखोगे, सो नहीं करते हैं लेकिन कहते क्या मुसीबत आ गई, अब करूं क्या मैं, अगर मैं पिटीशन डिसमिस कर देता हूं अभी तो इसको तो गार्जियन रिवॉर्ड्स एक्ट में भी फैमिली कोर्ट कस्टडी नहीं देगी, क्योंकि अपोजिट पार्टी का पहला ही ग्राउंड होगा कि इसका केस तो हाईकोर्ट से डिसमिस है, तो जज को भी थोड़ी सिंपैथी हो जाती है डिसमिस करने में। जज उससे पूछते भाई तुम्हारा इलीगल डिटेंशन कहां है, फादर के पास ही तो बच्चा है, कोई दुश्मन के पास थोड़े ना है, इलीगल डिटेंशन कहां है ये, हम क्या करें इसमें, इसमें हैबियस कॉर्पस कैसे चलाए, है ना, हैबियस कॉर्पस का बोलते इलीगल डिटेंशन होता है। तो कई लोग ना कभी वकील पैसे बनाने के लिए ऐसे ही इसमें हैबियस कॉर्पस ही रिट फाइल करवा देते हैं। अब जज वहां पे थोड़ा सा रास्ता दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा केस डिसमिस कर रहे हैं, तुम्हारे पास ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल है, तुम गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट में जा सकते थे, हम तुम्हारे केस को डिसमिस कर रहे हैं, उसको इंडिकेशन भी देंगे कि विड्रॉ कर लो, बोलेंगे नहीं इंडिकेशन देंगे विड्रॉ कर लो, बगल में लोग रहेंगे बोलेंगे विड्रॉ कर दे तो डिसमिस हो जाएगा। अब उसके दिमाग में आ गया कि सर रुकिए रुकिए विड्रॉ करते हैं केस को, पूरा 10 दिन लगा के पिटीशन बनाया होगा 100 पेज का, एविडेंस वगैरह लगाए होंगे, सब किया होगा, नोटिस दिया होगा, और 2 मिनट में केस विड्रॉ, और जज का 2 लाइन का ऑर्डर, द सूट इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन, डिसमिस्ड एज विड्रॉन। तो यहां भी वर्ड लिखा है डिसमिस, कैन वी से दैट इट्स ए डिक्री, यहां का नहीं, द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इसमें ये नहीं कहते एडजुडिकेट ऑफ विच, इसमें हम कहते हैं ये डिक्री ये नहीं है, कल को वो पर्सन वहां विड्रॉ कर लिया सूट को और जाके गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट में सूट फाइल करता है और वहां उसको ये कहा जाता है कि तुम्हारा सूट तो ऑलरेडी हाईकोर्ट में डिसमिस है, तुम क्यों फाइल कर रहे हो, नहीं चलेगा केस, वो बोलेंगे नहीं सर वो डिक्री है ही नहीं। तो अब बताओ सूट अगर डिसमिस होती है विड्रॉल की वजह से तो क्या वो डिक्री कहलाएगी, वो डिक्री नहीं कहलाएगी। एक्स ने सूट फाइल किया कोर्ट में, ज्यूरिस्डिक्शन गलत था, कोर्ट में सूट फाइल किया ज्यूरिस्डिक्शन गलत था, कोर्ट ने कहा, जज ने कहा कि ये हमारे ज्यूरिस्डिक्शन का केस ही नहीं है, तुमने पटियाला में फाइल कर दिया है तो करकट हमारा कैसे, हम तो देख ही नहीं सकते केस को, कोर्ट ने सूट को क्या कर दिया, रिटर्न, वहां लिख देंगे डिसमिस्ड एज रिटर्न, ऐसे लिख देंगे, क्या ये डिक्री कहलाएगा? तो कहते हैं सबसे पहले डिक्री का डेफिनेशन क्या होगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन होनी चाहिए, जहां एडजुडिकेशन नहीं हुआ है, एडजुडिकेशन होने का मतलब क्या हुआ, दोनों पार्टीज को सुनी गई हो, और जहां एडजुडिकेशन नहीं हुआ है हम कहेंगे कि वो चीज जो है वो डिक्री के डेफिनेशन में फॉलो नहीं करता। तो डिक्री का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है,
Decree means the formal expression of an adjudication which so far as the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter controversy to the suit. It may be either preliminary or final. It's a deemed to include the rejection of a plaint and determination of any questions within section 144, but does not include adjudication for which appeal lies and order for dismissal of default. Now, explanation ने preliminary decree और final decree बताया है, ये क्या है? A decree is preliminary when the further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when the suit completely disposed. It may partially be preliminary or partly be final. There may be the point here. अब इसके essential elements भी paper में बहुत पूछे जाते हैं. तो essential elements हमेशा क्या होगा? Definition को अगर तुम enlarge करोगे, अगर आप definition को enlarge करोगे तो essential elements आएगा. आप कहते थे decree means the formal expression of an adjudication. तो decree होने के लिए क्या होना चाहिए? Adjudication होना चाहिए. मतलब एक judicial proceeding होनी चाहिए. और adjudication must have been done कहां पर? In a suit. That is in a suit. Must have determined the rights of the parties. There should be the determination of the what rights of the parties with regard to all or any of the matter what controversy to the suit. Means that if we have got five matters and court has decided only one, leaving these four, we can say rights decree for one. Determination क्या होनी चाहिए? Conclusive. मतलब ऐसा नहीं कि बाद में कोर्ट फिर से अपने फैसले को बदल दे कि वो गलती होगी, एक बार फिर से कर लो. एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होनी चाहिए और ये डिक्री कौन देगा? दैट डिक्री शैल बी गिवन बाय हु? सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट? दैट्स कॉल्ड बी सिविल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट क्या देती है? डिक्री नहीं देती. क्रिमिनल कोर्ट क्या देती है? कॉन्विक्शन या एक्विटल. या तो कन्विक्ट करेंगे या फिर एक्यूट करेंगे. इन्हीं दोनों में से कुछ करेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं करेंगे. आइदर कन्विक्शन और एक्यूटल. दिस वन द पॉइंट. तो एक क्वेश्चन पेपर में बना रहता है, डिफाइन डिक्री एंड एक्सप्लेन इट्स व्हाट एसेंशियल एलिमेंट्स. सो आप अगर डिक्री को डिफाइन कर लेते हैं तो आप एसेंशियल एलिमेंट्स आप वहीं से निकाल लेंगे कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, देयर मस्ट बी द कंट्रोवर्सी, इट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल. दैट वाज वहां से आप निकाल सकते हैं. अब एक बात होती है प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री. जहां देखोगे ना केस चल रही है, डिक्री आई लेकिन फर्दर प्रोसीडिंग भी चलनी है, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिक्री. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस का एप्लीकेशन है और इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हो गया, देन इंटरिम मेंटेनेंस क्या कहते हैं हम? प्रिलिमिनरी डिक्री. आगे अभी केस चलनी है, दैट्स कॉल्ड हियर. तो यहां पे ए डिक्री इज ए प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, है ना. सच डिक्री डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज with regard to all or any of the matter controversy to the suit. Now, अच्छा अब एक बात सोच के देखिए, क्या प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील हो सकती है? बताएं. हम मेंटेनेंस वाला ही केस लेकर के देखते हैं. कोर्ट है, कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस और फिर प्रोसीडिंग चल रही है और फाइनल मेंटेनेंस. तो कोर्ट ने क्या किया? इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर दिया और फाइनल मेंटेनेंस को अब देख रही है. अलाउ किया अगेंस्ट
हस्बैंड, और ये हस्बैंड चला गया अपील में, ये अपील में चला गया। अपील कहां लगेगी इसकी? इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होता है तो अपील कहां लगती है? कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में? हाई कोर्ट में लगेगी, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करने वाले जज कौन होते हैं? वो फैमिली कोर्ट होती है, सेशन नहीं होती है। दिल्ली में फैमिली कोर्ट, और फैमिली कोर्ट में जज कौन होते हैं? एडीजे होते हैं, एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के होते हैं ना, सेशन जज वो होते हैं। तो उनके अगेंस्ट अपील हमेशा कहाँ लाई करती है? हाई कोर्ट में। लेकिन जो दूसरे केसेस चलते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील लाई करेगी सेशन कोर्ट में। जैसे डीवी का केस है, तो डीवी में मेंटेनेंस ऑर्डर करती है मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ करेंगे? सेशन कोर्ट में। हाँ चलो, ये फैमिली कोर्ट का मेंटेनेंस है और अपील लाई कर रही, अपील हाई कोर्ट में आ गया, सही है। अब एक बात बताओ कि फाइनल मेंटेनेंस जो है कोर्ट ने डिसमिस कर दी, वाइफ को फाइंड आउट किया कि इसके पिटीशन फॉल्स है, एलिगेशंस फॉल्स है, अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाई, अलग रहने का कोई रीजन नहीं है, अर्न कर सकती है, जानबूझ के नहीं करती, तो कोर्ट ने क्या कर दिया? फाइनल मेंटेनेंस को क्या किया? डिसमिस कर दिया। अब हस्बैंड जो है हाई कोर्ट में इंटरिम मेंटेनेंस का अपील ऑलरेडी किया हुआ था, तो चल रहा है केस, लेकिन फाइनल मेंटेनेंस क्या हो गया है? डिसमिस हो गया है। अब यहां सुनिएगा, यहां पे इसी बात पे कुछ कहते हैं, कहते हैं कैन द अपील फॉर पेमेंट डिग्री बी हर्ड, देयर इज unanimity of the opinion of the all high court comes that was pending appeal against a preliminary decree does not become fractious by passing the of final decree. Final decree pass होने के वजह से जो preliminary decree के against appeal है वो खराब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। मतलब high court interim maintenance के ऊपर जो appeal सुन रही है वो सुनती रहेगी, सही है। Appeal from the preliminary decree can be heard though during the pendency of the final decree passed, but not appealed against. This one. ठीक है तक? कौन सा? हाँ, सब अपील होती है, preliminary decree भी appealable होती है ना? हम जैसे ही बोलते decree, decree means everything is appealable unless otherwise prohibited. ठीक है? तो हमारे preliminary decree पे appeal थी, फाइनल डिक्री हो गया डिसाइड, तो इसके वजह से प्रिलिमिनरी डिक्री की अपील इफेक्टेड नहीं होगी। दिस वन, कैन द अपील ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री।